नमस्कार दोस्तों, हिंसाग्रस्त मणिपुर में सेना और पुलिस पर उग्रवादियों द्वारा किए जा रहे हमलों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। शनिवार को मणिपुर के दो जिलों में सेना और असम राइफल के संयुक्त पेट्रोल टीम पर हमले किए गए। बता दें कि पहला हमला सेनापति जिले में सुबह करीब 11:25 पर हुआ, जबकि दूसरा हमला चूरा चांदपुर जिले में दोपहर करीब 12:45 पर हुआ। उग्रवादियों द्वारा किए गए हमले में असम राइफल के दो जवान घायल हुए हैं। वहीं चूरा चांदपुर में उग्रवादियों के खिलाफ अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, साथ ही सेना ने हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। सूत्रों के अनुसार मणिपुर में शांति बहाली के लिए सेना और असम राइफल और मणिपुर पुलिस लगातार गश्त कर रही है। इसी बीच शनिवार को सेनापति जिले के सीपी जंग गाँव के पास जंगल में सुबह करीब 11:25 पर उग्रवादियों ने असम राइफल की पेट्रोलिंग टीम पर फायरिंग कर दी। फायरिंग होते ही जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग की। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जवानों ने जवाबी फायरिंग में उग्रवादी भाग खड़े हुए, इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वहीं दूसरी घटना चूरा चांदपुर जिले के लैलमपात में दोपहर 12:45 पर हुई, जहां वन क्षेत्र से सेना और असम राइफल के संयुक्त गश्ती दल पर उग्रवादियों ने गोलीबारी की। गोली लगने से असम राइफल के दो जवान घायल हुए हैं। घायल हुए जवानों को सुरक्षित निकाल लिया गया। सेना और असम राइफल का उग्रवादियों के खिलाफ अभी भी ऑपरेशन जारी है। तो दोस्तों, सेना से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबर पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी नई किसी अपडेट के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।